अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्कीमा थ्योरी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेंडर स्कीमा थ्योरी की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो किसने प्रोपोज की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी। सो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सैंड्रा बैम, शी इज़ अ फीमेल, इन 1981 में सैंड्रा बैम ने जेंडर स्कीमा थ्योरी को प्रोपोज किया था। जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर बेस करती है। कॉग्निटिव अप्रोच हम तमाम लोग जानते हैं, जिसमें हम थिंकिंग को, रीजनिंग को, मेमोरी और जो दूसरी एबिलिटीज़ हैं उसको स्टडी करते हैं। मीन्स हमारे माइंड में होने वाली जो फंक्शनिंग है उसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो कहलाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो सैंड्रा बैम ने कहा है कि जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो आपकी बेस करती है कॉग्निटिव अप्रोच पे। अब हम इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। जेंडर स्कीमा थ्योरी का जो मेन आइडिया है या इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, हमारी कॉग्निशन के ऊपर। जेंडर स्कीमा थ्योरी कहती है कि एक इंडिविजुअल में जो जेंडर करैक्टरिस्टिक्स या जो एक जेंडर की क्रिएशन है वो किस तरह होती है। मींस एक चाइल्ड या एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए जेंडर क्या है, वो किस तरह जेंडर को समझता है कि ये मेल जेंडर है या ये फीमेल जेंडर है। तो सैंड्रा बैम अपनी इस थ्योरी में कहती हैं कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में एक चाइल्ड के माइंड में जेंडर की क्रिएशन होती है या जेंडर की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी क्रिएशन होती है। सोसाइटल इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक चाइल्ड जो है वो सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है ऑब्ज़र्व करता है या नोट करता है जेंडर करैक्टरिस्टिक्स को, जेंडर रोल्स को, कि अगर कोई मेल है तो उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसकी क्या वर्किंग लाइफ है या उसकी क्या जॉब है, वो क्या जॉब सोसाइटी में परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह एक फीमेल जो है वो क्या जॉब परफॉर्म करती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने क्या आते हैं। तो सोसाइटी जो है एक चाइल्ड की कॉग्निशन पे इम्पैक्ट कर रही है। तो सोसाइटी से एक बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है ये सीखता है कि जेंडर क्या है। और दूसरा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मींस जैसे जैसे एक चाइल्ड की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या कॉग्निशन डेवलप करती जाती है, जैसे जैसे एक चाइल्ड एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तो उसकी जो कॉग्निशन है वो भी डेवलप हो रही होती है। तो एक बच्चे के माइंड में जेंडर की क्रिएशन या जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स की जो क्रिएशन है या जेंडर की जो डेफिनेशन है वो एक बच्चे के माइंड में कब बनती है, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटल इम्पैक्ट एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। अब हम इस थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है जेंडर स्कीमा उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये थ्योरी 100% क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या है? अ मेंटली ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क और नेटवर्क। स्कीमा हम एक मेंटल स्ट्रक्चर को, मेंटल फ्रेमवर्क को या मेंटल नेटवर्क को कहते हैं। जैसे कि कोई भी हमारी लाइफ में कोई चीज़ हो या हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो इसका एक पहले हम एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसका, कि वो घर किस तरह का बनेगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे अगर आप पेपर पर ड्राइंग बनाते हो तो सबसे पहले पेंसिल से एक रफ डिज़ाइन या एक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हो। तो स्कीमा क्या होता है कि हम अपने माइंड में किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर या एक फ्रेमवर्क या एक नेटवर्क जो है वो हमारे माइंड में जब हम चाइल्डहुड में होते हैं उस वक्त एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बन जाता है किसी भी चीज़ को लेके।
फिर जैसे जैसे वो चाइल्ड ग्रो करता रहता है या डेवलप होता जाता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी उसके साथ डेवलप होती जाती हैं स्टेज टू स्टेज, तो उसका वो जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर जो है उसमें अब नॉलेज भरती जाती है भरती जाती है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो अब बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस एक सिंपल स्ट्रक्चर को, एक मेंटल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। इसके बाद बात करते हैं जेंडर स्कीमा क्या होता है। तो जेंडर स्कीमा, अगर आपको स्कीमा समझ आ गया है तो जेंडर स्कीमा को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मींस एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर या एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क जिसमें एक चाइल्ड जो है वो जेंडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसमें फिल करता रहता है। मींस जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो उसको जेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, और वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर भरता रहता है। ठीक है, इस तरह एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस जेंडर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है जेंडर स्कीमा की, इन्फॉर्मेशन अबाउट विच टॉयज़ आर फॉर गर्ल्स एंड विच टॉयज़ आर फॉर बॉयज़ फॉर्म स्कीमा दैट गाइड्स बिहेवियर। जैसे एक चाइल्ड है और वो मेल है, अब उसके माइंड में, अच्छा जब चाइल्ड की बर्थ होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसको जेंडर का कुछ नहीं पता होता, तो वो कहाँ से लर्न करता है? वो अपनी सोसाइटी से जो है वो लर्न करता है। शुरू में क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो जेंडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी सोसाइटी से या अपनी फैमिली से लर्न करता है। प्राइमरी जो है यहाँ इस स्टेज में जब चाइल्ड की बर्थ होती है उस वक्त उसके लिए फैमिली होती है, तो वो अपनी फैमिली से जो है वो लर्न करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो सोसाइटी में जाना शुरू करता है, घर से बाहर निकलता है तो उनसे भी जो है वो लर्न कर रहा होता है, लेकिन शुरू में वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फैमिली होती है। तो सबसे पहले एक चाइल्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो जेंडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में लेकर आता है। मींस बिल्कुल अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, ठीक है, अब वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है, फॉर सपोज बॉय है, अब उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए ऐसे कपड़े लेके आएंगे, ठीक है, उसके लिए ऐसे टॉयज़ उसको गिफ्ट मिल रहे होंगे, या जब उसकी बर्थडे होती है तो उस बर्थडे में भी जो है कपड़ों का कलर, इसके अलावा ऐसे टॉयज़ उसको गिफ्ट में मिलेंगे जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो लर्न करना शुरू करता है। ठीक है, एक तो जो है वो अपनी सोसाइटी से या अपनी फैमिली से जो है वो लर्न कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न कर रहा है कि फादर है तो वो ये काम कर रहे हैं, मदर है तो वो ये काम कर रही है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माइंड में स्कीमा बनाता जाता है। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी होगी। यहाँ पे मेरा मकसद है कि जेंडर स्कीमा को समझाना कि जेंडर स्कीमा क्या है। तो जेंडर स्कीमा एक हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें एक चाइल्ड जो है वो जेंडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो वो अपनी फैमिली में ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसको उस स्ट्रक्चर में फिल्ड करता जाता है। जैसे अगर मेल बॉय है तो उसको जो टॉयज़ मिल रहे होंगे तो उस टॉयज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि जो मेल बॉयज़ होते हैं वो यूजुअली कार्स के साथ ही खेलते हैं, ठीक है, तो वो जो कार्स वाली इन्फॉर्मेशन फॉर बॉयज़ वो अपने माइंड में उसको फिल्ड करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर स्कीमा थ्योरी का कि एक चाइल्ड जो है या जो बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो बनाते हैं अपने माइंड में। जो बच्चे होते हैं वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मेल से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट फीमेल से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, मेल को देखेंगे, ठीक है, अपने फादर को ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके अलावा वो अपनी मदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को जो है एक कॉन्सेप्ट की शक्ल देंगे और एक स्कीमा जो है उनके माइंड में वो बन जाएगा, ठीक है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको उन स्कीमास को सोसाइटी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लर्न व्हाट सेक्स दे आर। सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने सेक्स के बारे में लर्न करता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। उसके बाद एक चाइल्ड जो है वो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें मेल होने का मतलब क्या है या एक फीमेल होने का मतलब क्या है, फीमेल से क्या मुराद है और मेल से क्या मुराद है, और इसके अलावा
हमारे कल्चर में मेल के क्या रोल्स हैं या मेल की क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा फीमेल की क्या एक्टिविटीज़ और क्या रोल्स हैं हमारे इस कल्चर में, हमारी इस सोसाइटी में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक चाइल्ड जो है वो अपने माइंड में स्कीमा बनाता जाता है, लर्निंग करता जाता है। तो पहले बच्चे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है अबाउट द जेंडर, एक सिंपल स्कीमा बनता है जेंडर के बारे में, और जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता जाता है, चीज़ों को जानना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, अपने फादर और मदर को देखता है, अपने सिबलिंग्स को देखता है, वो क्या काम कर रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है, और उस ऑब्ज़र्वेशन के रिज़ल्ट में वो जो चाइल्ड है वो अपने स्कीमा के अंदर इंफॉर्मेशन को फील्ड करता जाता है, इंसर्ट करता जाता है, और इस तरह उसका जो एक जेंडर से रिलेटेड स्कीमा है वो बढ़ता जाता है। मींस अगर एक बच्चा है तो उसका शुरू में सिर्फ यही स्कीमा होगा कि जो मेल होते हैं, मींस मेरे फादर जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो फादर की ड्यूटी क्या है, घर से बाहर रहना, और जो फीमेल है मींस जो मदर है उनका काम है घर के जितने भी काम हैं वो सारे मदर करती हैं, मींस कुकिंग हो गई, इसके अलावा बच्चों को रेज करना या बच्चों को पालना, ठीक है, ये मदर के काम है। तो ये एक सिंपल स्कीमा जो कि एक बच्चा अपने माइंड में बनाता है, फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता जाता है तो वो उस स्कीमा को बढ़ाता जाता है। जैसे अगर एक चाइल्ड है उसको पता है कि जो मेल होते हैं अगर कोई अप्लाइंसेस वगैरह घर में ख़राब हो जाते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल कोई काम वगैरह होता है या कोई बल्ब चेंज करना, ठीक है, तो वो मेल के ही काम होते हैं, और जो कुकिंग वगैरह है वो फीमेल का काम है। अब ये उस बच्चे का एक जेंडर स्कीमा बना हुआ। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट अ चाइल्ड ऑर्गेनाइजेज और एड्स दिस इंफॉर्मेशन इनटू जेंडर स्कीमा दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ देयर सोसाइटी क्लासिफाइज बिहेवियर्स एज मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग क्लोथ्स एंड टॉयज एक्सेट्रा। अब एक चाइल्ड जब एक सिंपल कॉन्सेप्ट या एक सिंपल जेंडर स्कीमा अपने माइंड में बना लेता है तो अब उसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। जैसे जैसे वो एक स्टेज दूसरी स्टेज में एंटर होता है तो उसका स्कीमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है, जो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था अब वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उस जेंडर स्कीमा में जो सिंपल जेंडर स्कीमा था उसमें अब मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जाती है, कैसे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है वो अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में देखता है कि फीमेल के हमारे कल्चर में ये रोल्स हैं और मेल के हमारे कल्चर में ये रोल्स हैं। मेल जो है वो घर से बाहर जाते हैं, पैसा कमाना उनका काम है, और जो फीमेल्स हैं वो घर के कामों में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और बच्चों को रेज करती हैं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उस बच्चे के माइंड में जो है उसके उस सिंपल जेंडर स्कीमा के अंदर इंसर्ट होती है, और इस तरह उसका जो जेंडर स्कीमा है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वो स्कीमा, वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो अब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो बनता जाता है, और इस तरह एक चाइल्ड जो है वो अपने कल्चर से ऑब्जर्वेशन के थ्रू फीमेल और मेल के जो रोल्स हैं उसको लर्न करता है और अपने स्कीमा को बढ़ाता जाता है, उसके उस जेंडर स्कीमा में इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेंडर स्कीमा थ्योरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 o